नहीं, क्या कर रही हो तुम? पापा मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये लड़कों का काम है, जाओ जाकर खाना बनाओ। पापा मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, मुझे पढ़ लेकर एक डॉक्टर बनना है, मरीजों का इलाज करना है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो? सारी फसाद की जड़ ये कॉपी है, ला मुझे दो। नहीं पापा ऐसा मत करो पापा, नहीं पापा। सीता ने किस तरह समय की किताबों के साथ साथ उसके सपनों को भी फाड़ दिया। साम्या इनसे मिलो, ये शुभम है और ये उनके पिताजी हैं। एक महीने बाद तुम्हारी शादी इनसे तय हो गई है। नहीं पापा मुझे तो शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ लिखकर एक डॉक्टर बनना है, मरीजों का इलाज करना है। मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम्हारी शादी इनसे तय है। नहीं पापा ऐसा मत करो पापा। इस तरह साम्या के पिता ने साम्या की एक नौकरी और साम्या की शादी तय कर दी। अब एक महीने बाद शादी की डेट। साम्या चलो, शादी का वक्त हो गया है। तुम अपना लाइफ में कुछ करना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो, इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर सकती हो, अपना सपना पूरा कर सकती हो। जो सपोर्ट अब सामने अपने पिता से चाहती थी वो सपोर्ट उसके ससुर और उसके पति ने दिया है। अब सामने अपने पूरे दिल लगा के अब पढ़ाई करती है। एक दिन सामने आई और कहा अब आगे। शुभम मैं एक डॉक्टर बन गई हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट की डॉक्टर। ये तो बहुत खुशी की बात है पापा, आपने सुना? हाँ मैं ये मिठाई काटना है, चलो जा जा शुभम जा मिठाई लेके आओ। एक दिन सामना को खबर आया हॉस्पिटल से कि एक मरीज को हार्ट स्पेशलिस्ट और बीमारी है, हार्ट का बीमारी है। तुरंत सामना वहां पे गई। पापा आपका इलाज हो गया। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। नहीं पापा आपको आराम करने की जरूरत है, आप आराम कीजिए। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं पापा आपने ऐसे की है, मेरे पिता है, मुझे कोई शिकायत नहीं। आशा है कि आपको तक जो मैसेज पहुंचना चाहिए था वो आप तक पहुंच गया है। इस कहानी का यह अर्थ है कि बेटियों को बेटों से कभी कम ना समझें।